हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट इज ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस ठीक है लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है उनकी क्या क्या करेक्ट्रिस्टिक्स हैं क्या फीचर्स होती हैं आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने ऑर्गेनाइजिंग करनी है तो आपको क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है क्या क्या एक्टिविटीज हैं या क्या सीक्वेंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी ठीक है सो दैट आपकी ऑर्गेनाइजिंग का जो वर्क है वो स्मूदली हो और आपका जो भी अकम्पलिश हो मतलब ऑब्जेक्टिव वो आपका टाइमली बेसिस पर अकमप्लीश हो जाए चलो तो कुछ आपके पॉइंट्स हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन फर्स्ट वन की जैसे आपको देखो ऑर्गेनाइजिंग करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है आप अचीव क्या करना चाहते हो क्योंकि अगर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पता होगा तो आप ऑर्गेनाइज क्या करेंगे है ना तो फर्स्ट प्रोसेस का स्टेप क्या आपका नोइंग द दब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज सेकेंड वन इज अब आपको पता चल गया कि सपोज मुझे मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करना है आपका ये ऑब्जेक्टिव हो गया उसको प्रोडक्शन को करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी आप उन सभी एक्टिविटीज को क्या करेंगे डिटरमाइन करेंगे देन ग्रुपिंग एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाएंगे देन डिटरमाइनिंग की एक्टिविटीज जो भी आपको लगता है कि आपके इस प्रोडक्शन में की रोल प्ले करने वाली एक्टिविटी है आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे देन आता है असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेटिंग अथॉरिटीज डिफाइनिंग इंटर रिलेशनशिप एंड लास्ट वन इज योर प्रोवाइडिंग राइट एनवायरमेंट देखो ये सभी तभी पॉसिबल है जब आप अपने इंप्लाइज को अपने स्टाफ को एक अच्छा कंड्यूजिव हेल्दी एनवायरमेंट प्रोवाइड करो है ना तो अब इनको डिस्कस करते हैं वन 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 डिटेल में चलिए फर्स्ट देखो क्या कहते हैं नोइंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टू नो अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज सबसे फॉरमोस्ट आपका जो प्रोसेस का स्टेप है वो यही है कि आप पहले अपने एंटरप्राइज के अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को जानो है ना ऑल दो हालांकि जो मतलब आपकी जो uh, ऑब्जेक्टिव सेट करने का जो प्रोसेस होता है ना वो आपका प्लानिंग में हो जाता है है ना बट स्टिल आपको जब भी ऑर्गेनाइजिंग करनी है तो आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका क्या मेन गोल है आप क्यों ऑर्गेनाइजिंग करना चाहते हो ठीक है ऑल दो द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइज इज डन अंडर द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज प्लानिंग बट प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ क्लियर एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउटेक्टिव ऑन द बेसिसमेशन अबाउट ऑब्जेक्टिव डिजाइंड टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव आर डिटर तो जब आपको एक बार पता चल जाएगा कि आपके यही आपके गोल्स हैं है ना क्या गोल्स हैं आपके उसके बाद आप क्या कर सकते हो उन एक्टिविटीज को डिटरमाइन करना स्टार्ट कर देते हो नाउ एग्जाम्पल दिया हुआ है देखो इट कैन बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज टू प्रोड्यूस मोबाइल फोन्स सपोज आपकी कंपनी का कोई गोल है आपने क्या करना है मोबाइल फोन्स को प्रोड्यूस करना है इन दिस इंफॉर्मेशन इन दिस रिस्पेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोबाइल फोन्स विल बी रिक्वायर टू मैन्युफैक्चर आप देखो एग्जाम्पल क्या है कि आपने क्या करना है मोबाइल फोन्स को प्रोड्यूस करना है ठीक है अब एक ऑब्जेक्टिव सेट हो गया अब ऑब्जेक्टिव के बाद आप ये देखना चाहोगे कि कितने टाइप के मोबाइल आप बनाएंगे ठीक है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोबाइल्स विल बी नेक्स्ट वेदर द नेसेसरी पार्ट्स रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर मोबाइल फोन विल बी मैन्युफेक्चर और परचेज जो भी आपको मोबाइल बनाने हैं उसके जो पार्ट्स हैं क्या आप खुद बनाएंगे या बाय करेंगे तो ये सब डिसाइड करना हाउ एक्सटेंसिव सेल्स एरिया विल बी आप अपना सेल्स एरिया कितना कवर करने वाले हैं मतलब आप अपनी स्टेट में कवर करेंगे आप अपनी होल कंट्री में या फिर आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाएंगे ठीक है नाउ सेकेंड फंक्शन क्या है जब आपको एक बार पता चल गया कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बाद आप क्या करने वाले हैं आप ये चेक करोगे कि आपके अलग अलग एक्टिविटीज क्या है उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आपकी कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं ठीक है तो क्या कहते हैं आफ्टर हैविंग लर्न अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द एंटरप्राइज नेसेसरी फंक्शन आप क्या करेंगे जो भी आपके नेसेसरी फंक्शन होंगे आप उनको डिटरमाइन करना स्टार्ट कर देंगे जो आपको ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करेंगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैव डिफरेंट एक्टिविटीज जैसे कि आपको रॉ मेटेरियल परचेज करना है ठीक है परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स प्रोडक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट मतलब प्रोडक्शन एडवर्टीजमेंट सेल्स मैनेजमेंट ऑफ फाइनानस रिसर्च अकाउंटिंग कीपिंग ऑफ स्टॉक ऑफ मटीरियल रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज एक्सेक्ट्रा तो आप ये सब चीजों पर फोकस करते हैं ठीक है देखो फर्स्ट फंक्शन क्या था नोइंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज सेकेंड फंक्शन क्या है आपका एक सेकेंड सेकेंड फंक्शन क्या है आपका डिटरमाइन करना है आपने वेरियस एक्टिविटीज़ को ठीक है कि अगर आपने प्रोडक्शन करनी है मोबाइल फोन्स की तो आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है आपको रॉ मेटेरियल परचेज़ करना पड़ेगा आपको मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स परचेज़ करने पड़ेंगे प्रोडक्शन करनी है एडवर्टीजमेंट भी करनी पड़ेगी है ना सामान बन गया एडवर्टीजमेंट तो करेंगे अब एडवर्टीजमेंट के बाद आप सेल्स भी करेंगे तो ये सब आपकी एक्टिविटीज़ होती है नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं आपको ये ग्रुपिंग एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज जब आपने अलग अलग एक्टिविटीज डिटरमाइन कर ली आफ्टर दैट यू हैव टू ग्रुप द एक्टिविटीज और आप उन एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग आप डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हैं ठीक है इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज ग्रुपिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटीज इज डन अंडर द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑल द सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर गिवन टू वन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अगर आपको लग रहा है कि परचेजिंग की सारी एक्टिविटीज की बात हो रही है तो आप सभी को एक ही डिपार्टमेंट में डाल देंगे दैट विल बी योर डिपार्टमेंट अगर कोई फाइनेंस से रिलेटेड है एक्टिविटीज तो आप हर तरह की फाइनेंसिंग को आप फाइनेंस डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर देंगे ठीक है तो यही बोला गया है अंडर द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑल द सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर गिवन टू वन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट फॉर एग्जाम्पल द एक्टिविटीज लाइक purchase of raw material purchase of ready-made parts production stocking the material research etc are assigned to the production department similarly advertisement and sales activities are given to the marketing department department of finance takes care of finance accounts and correspondence now नेक्स्ट पॉइंट क्या है अब आप डिसाइड करेंगे आपने एक बार ग्रुप बना दिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन गए अब आप चेक करोगे कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो की वर्क है जो की एक्टिविटी है वो कौन सी है सो so दैट आप उसके ऊपर अच्छे से फोकस्ड रहो ठीक है तो नेक्स्ट पॉइंट इज डिटरमाइनिंग द की एक्टिविटीज देखो की एक्टिविटीज में क्या क्या गया है की एक्टिविटी सिग्निफाइज द इम्पोर्टेंस टू दिस एक्टिविटी इन द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज अब की एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्रूशियल रोल प्ले करती है किसी भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में अगर आपने उस की एक्टिविटी पर फोकस कर लिया तो आपकी सक्सेस फॉर श्योर है बट अगर आपका किसी भी रीजन से उस की एक्टिविटी से ध्यान हट गया तो कहीं ना कहीं वो आपको फेलियर पर ले जाएगा ठीक है तो सच सच एन एक्टिविटी नीड्स अ स्पेशल अटेंशन इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन टू डिटरमाइन द की एक्टिविटी दस इन ऑल द ऑर्गेनाइजेश की एक्टिविटीज कैन बी डिफरेंट अब ऐसा नहीं कि आपकी की एक्टिविटी सेल्स है तो हर एक की सेल्स होगी किसी की प्रोडक्शन हो सकती है किसी की मार्केटिंग हो सकती है किसी की एडवर्टीजमेंट हो सकती है तो सबकी अलग अलग होती है ठीक है इन द गिवन एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल फोन प्रोडक्सिंग कंपनी द मेन प्रॉब्लम कैन बी ऑफ एडवर्टीजमेंट Because only an effective large scale advertisement can attract attention of the customers towards ए new product. अब यहां पर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की जो की एक्टिविटी मानी गई है that will be एडवर्टीजमेंट तो अब आपको एडवर्टीजमेंट के ऊपर ज्यादा फंक्शन मतलब फोकस रखने की रिक्वायरमेंट है दस इन दिस केस द फंक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट इज द की एक्टिविटी विच रिक्वायर्स द अटमोस्ट अटेंशन for this purpose the advertisement activity should be taken care from taken from the purview of marketing department and handed over to the newly created advertisement department so that the superior officers are in direct touch with this department and are in a position to pay full attention to it पहले ये चीज जो एडवर्टीजमेंट का काम था ना वो आपने दिया हुआ था मार्केटिंग डिपार्टमेंट को अब आपने ये चेक कर लिया कि इसके ऊपर ना बहुत ज्यादा टेंशन देने की रिक्वायरमेंट है तो अब आपने मार्केटिंग वालों से इस पोर्शन ले लिया और आपने हैंड ओवर कर दिया है न्यूली क्रिएटेड डिपार्टमेंट को दैट विल बी एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट अब ऐसा क्यों किया है सो दैट जो आपके सुपीरियर ऑफिसर्स हैं ना वो इस एक्टिविटी के इस डिपार्टमेंट के डायरेक्ट टच में रह सके ठीक है तो देखो अभी तक कि हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं फर्स्ट था कि आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए सेकंड था कि अलग अलग एक्टिविटीज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए देन यू हैव टू ग्रुपिंग एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज आफ्टर दैट यू हैव टू डिटरमाइन द की एक्टिविटीज ठीक है अब जब आपको की एक्टिविटीज पता चल गई है कि आपका ये काम है आपको ये चीज करनी है ऐसे करनी है देन यू हैव टू असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द वर्कर्स After dividing the various activities into the different departments and sub departments, and having determined the activity that each individual is expected to perform, his responsibility is fixed. अब आपको पता चल गया प्रोडक्शन करनी है इतनी करनी है मार्केटिंग वालों ने मार्केटिंग करनी है एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट में एडवर्टीजमेंट करनी है तो अब आप क्या करेंगे उन सभी इंडिविजुअल्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करते हैं ठीक है सो दैट so वो आंसरेबल हो सके अगर कोई काम अच्छे से नहीं हुआ है तो उस चीज का उनके पास आंसर होना चाहिए वो अकाउंटेबल हो पाए ठीक है इन वर्ड्स वट दे आर टू डू फॉर द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको करना क्या है एक्चुअली है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही होती है ना आपको एक वर्क असाइन किया गया कि आपको एक काम करना है दैट विल बी ऑर रिस्पॉन्सिबिलिटी दट विल बी ऑर ऑब्लिगेशन तो यही है फिफ्थ पॉइंट में आपके कि आपको असाइन करनी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब जैसे कि एग्जाम्पल है अगर कोई परचेज मैनेजर है आप उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं परचेज ऑफ गुड्स की सेल्स मैनेजर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्स एडवर्टी एडवर्टाइजिंग मैनेजर विल भी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडवर्टीजमेंट एंड द फाइनेस मैनेजर विल टेक केयर ऑफ द रिस्िस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस ठीक है हर एक डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है अपने अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है इट मींस उन पर्टिकुलर मैनेजर्स की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने डिपार्टमेंट को अच्छे से स्मूथली मैनर में रन करें ठीक है चलो नेक्स्ट वन इज डेलीगेटिंग अथॉरिटी देखो जब आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो ना किसी को कोई काम करने की तो आपको सेम टाइम पर अथॉरिटी भी देनी चाहिए सो so दैट वो सुपरवाइज कर सके डिसीजन ले पाए गाइड कर पाए अब एक छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं आपने सेल्स डिपार्टमेंट को काम दिया सेल्स मैनेजर को असाइन किया आपने कि हाँ हमें तो वन मंथ में टेन लाख रुपीज़ की सेल्स करनी है बट अगर आप उसे अथॉरिटी नहीं देते हो कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को वो हायर करे सो so दैट आपकी सेल्स इंक्रीज हो तो वो सेल्स पॉसिबल ही नहीं है इंक्रीज करना है ना तो अगर सपोज हम बात करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की प्रोडक्शन मैनेजर को आपने एक ऑर्डर दे दिया है कि आपको टेन थाउजेंड प्रोडक्ट्स बनाने हैं विद इन टेन डेज बट अगर आप अथॉरिटी ही नहीं दे रहे हो कि वर्कर्स को वो अपॉइंट करे वर्कर्स को वो रिक्रूट करे तो वो खुद तो नहीं बना पाएगा प्रोडक्ट्स तो कहीं ना कहीं अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो आपको सेम टाइम पर सेम प्रपोर्शन में रिस्पॉन्सिबिलिटी की अथॉरिटी भी देनी पड़ती है ठीक है तो यही पॉइंट है आपका डेलीगेटिंग अथॉरिटी क्या कहते हैं अ पर्सन हु इज सेडल्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा पर्सन जिसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है मस्ट बी गिवन सम अथॉरिटी टू अथॉरिटी मीन्स फ्रीडम ऑफ टेकिंग डिसीजन गाइडिंग द सबॉर्डिनेट्स एंड द फ्रीडम ऑफ सुपरवाइजिंग एंड कंट्रोलिंग

And is inefficient to cope with the responsibility. The responsibility cannot be discharged successfully. अगर आपके responsibility ज़्यादा है as compared to the authority, तो कहीं ना कहीं आप अपने responsibility को अच्छे से discharge नहीं कर पाएंगे, ठीक है? आप अपनी obligations को fulfill नहीं कर पाओगे। जैसे कि example यहाँ हुआ है, for example, if a marketing manager is assigned the responsibility of increasing sales. आपने अपने मार्केटिंग मैनेजर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपको सेल्स को इंक्रीज करना है बट हैज़ नॉट बिन गिवन द अथॉरिटी टू अपॉइंट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नीडेड फॉर द जॉब बट आपने उसे ये पावर नहीं दी है आपने उसे ये अथॉरिटी नहीं दी है कि वो अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट कर सके देन द इंक्रीज इन सेल्स कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड तो आप ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स इंक्रीज होंगी ठीक है तो यही सिंपल लैंग्वेज में बोला गया है अथॉरिटी देना मस्ट है अगर आप किसी भी इंप्लॉय को किसी भी पर्सन को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो ठीक है चलो नेक्स्ट पॉइंट इज डिफाइनिंग इंटर रिलेशनशिप देखो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हर पर्सन को क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन किसका सबॉर्डिनेट है और कौन किसका सुपीरियर है ठीक है तो जब तक आपको यही नहीं देखो पता होगा कि आपका सुपीरियर कौन है आपको किसके ऑर्डर्स मानने हैं ठीक है या फिर आपका सबॉर्डिनेट कौन है आपको किस पर्सन से काम करवाना है तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम अच्छे से नहीं हो सकता ठीक है है नेक्स्ट स्टेप यही ऑर्गेनाइजिंग का डिफाइनिंग इंटर रिलेशनशिप क्या कहते हैं वेन टू और मोर देन टू पर्सन वर्क फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन गोल्स देयर इंटर रिलेशनशिप मस्ट बी डिफाइंड वेरी क्लियरली एवरीबडी शुड नो सुपीरियर एंड हु इज हेज सबॉर्डिनेट हर पर्सन को पता होना चाहिए कि आपका सुपीरियर कौन है और आपका सबॉर्डिनेट कौन है ताकि आपको यह पता हो कि आपको ऑर्डर किसके मानने हैं आपको किस पर्सन से कितना काम करवाना है ठीक है फॉर एग्जाम्पल द परचेज मैनेजर विल बी सुपीरियर फॉर ऑल द एम्प्लॉय ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट अब परचेज मैनेजर है परचेज डिपार्टमेंट में जितने भी आपके इम्प्लॉयज होंगे ना वो उन सभी का क्या होगा सुपीरियर होगा और परचेज डिपार्टमेंट में हर एक इम्प्लॉयी जो भी काम कर रहा है उसे परचेज मैनेजर के हर एक ऑर्डर को ऑबे करना पड़ेगा ठीक है दे विल बी रिसीव ऑर्डर फ्रॉम हिम एंड विल ऑल्सो भी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिम जो भी उन्होंने ऑर्डर दिए हैं परचेज मैनेजर ने अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के इंप्लॉयिज को अब उनकी ऑब्लिगेशन बनती है कि वो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे आंसरेबल होंगे ठीक है अब सेम टाइम पर अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड द परचेज मैनेजर विल गेट्स ऑर्डर फ्रॉम द जर्नल मैनेजर एंड विल बी रिस्पॉन्सिबल टू हिम अब परचेज मैनेजर जो प्रोडक्शन परचेज डिपार्टमेंट का हेड था अब किसी ना किसी का वो भी सब है किसका जो भी आपका जर्नल मैनेजर होगा अब जर्नल मैनेजर परचेज मैनेजर को ऑर्डर्स देगा और उसे वो फॉलो करने पड़ेंगे और कहीं ना कहीं वो उन सभी ऑर्डर्स के लिए उन सभी जो भी उसने इंस्ट्रक्शन दी हैं डायरेक्शन दी हैं उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा ठीक है सो so यही बोला गया है डिफाइनिंग क्लियरली द इंटर हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग कॉर्डिनेशन तो अगर आपको ये चीज क्लैरिटी होती है तो कहीं ना कहीं आपको कोऑर्डिनेशन के रखने में भी हेल्प करता है और जहां पर कोऑर्डिनेशन होगा तो गोल्स अचीव करना बहुत ही ईजी हो जाता है ठीक है कॉन्फ्लिक्ट से नहीं होंगे जो भी कर रहे हो आप बहुत म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग हार्मनी के साथ कर रहे हो नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कहते हैं प्रोवाइडिंग राइट एनवायरमेंट अब आपने सब कुछ क्लियर कर दिया आपको गोल पता है आपने ग्रुप्स बना दिए आपने इंटर रिलेशनशिप्स डिफाइन कर दिए बट अगर आपने अपने इंप्लॉइज को अपने स्टाफ को एक अच्छा एनवायरमेंट ही प्रोवाइड नहीं करके दिया हुआ तो कोई भी यूज नहीं होगा ये सारे स्टेप्स का ठीक है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यू हैव टू प्रोवाइड राइट एनवायरमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन अब देखो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग इट इज नॉट ओनली सच एन एक्टिविटी विच इंक्लूड डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज And the defining of interrelationships, but it also ensures optimum utilization of human resources by providing physical resources and. द राइट एनवायरमेंट अब ऑर्गेनाइजिंग का सिर्फ इतना ही मतलब नहीं होता कि आप एक्टिविटीज को डिटरमाइन करो डिफाइन कर दो इंटर रिलेशनशिप्स क्या है ग्रुपिंग कर दो स्टैंडर्ड्स बना दो ऐसा नहीं होता आपको ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि जो भी आपके रिसोर्सेज हैं वो आपके ह्यूमन रिसोर्स हैं फिजिकल रिसोर्स हैं कोई भी रिसोर्स है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो जुडिशली ऑप्टिमम मैनर में वो यूज होना चाहिए कैसे एंड प्रोवाइडिंग द राइट एनवायरमेंट ठीक है फॉर एग्जाम्पल द फैक्ट्री एंड द ऑफिस शुड बी लोकेटेड एट अ प्रॉपर प्लेस सो दैट द इम्प्लॉयज कैन परफॉर्म बेटर अब जहाँ पर भी आप अपनी साइट लोकेट कर रहे हैं जहाँ पर भी सेटअप लगा रहे हो वो आपकी एक अच्छी प्लेस पर होना चाहिए ताकि आपके जो वर्कर्स हैं आपका जो स्टाफ है वो वहाँ विजिट कर सके अच्छे से है ना अब आपने सेटअप ऐसी जगह लगा ली जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फेसिलिटीजे नहीं है उनको आने जाने में भी प्रॉब्लम हो रही है तो कहीं ना कहीं आपका एनवायरमेंट आपने प्रोवाइड करा है कि अगर आप अपने जो भी आपका फैक्ट्री है या जो भी आपका ऑफिस है ऐसे प्लेस पर लोकेट करते हैं जो कि एक बेटर प्लेस पर हो ठीक है देर शुड बी अ प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर मेकिंग अवेलेबल सफिशियंट मशीनरी फर्नीचर स्टेशनरी मटीरियल एक्सेट्रा ठीक है तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे स्टेप्स पढ़े आज के लेक्चर में हमें डिस्कस कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजिंग के क्या क्या प्रोसेस हैं क्या स्टेप्स होते हैं आपके जिसमें हमने डिस्कस करें आप टोटल एट पॉइंट्स ठीक है फर्स्ट है आपका नोइंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्राइज सेकंड वन इज Determining various activities. Third one is grouping and departmentalization of activities. Then, fourth one is determining key activities. And then assigning responsibilities. Delegating authority. And seventh one is defining interrelationships. And the last one is providing the right environment. I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day.